टू ब्लेसिंग्स ठहरो आई होप सब अच्छे हो स्वस्थ हो हैप्पी हो आज की रीडिंग है दल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट वेडिंग प्रोडिक्शन मैरिज प्रोडिक्शन ऑल माय सिंगल ब्यूटीफुल एंड ऑल द अनमैरिड वंस ओके एंड आपके बर्थ मंथ हैं पायल वन पायल टू देख लें आप पाइल वन में बर्थ मंथ है मई अक्टूबर नवम्बर जनवरी जुलाई और अप्रैल पायल टू में है दिसंबर अगस्त फेब्रुअरी मार्च जून सितंबर ठीक है इंट्यूटिव ग्रुप्स चूज करने वाले माय लव बर्ड्स पायल वन ऑरेंज बोट पायल टू शॉकिंग पिंक बोट ओके चूज जपायल आईल सी यू और यू रीडिंग टाइमस्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एलव माई ब्यूटीफुल एंजल पाए लूफान आइए देखते हैं कि क्या है आपकी वेडिंग प्रडिक्शन फॉर ऑल माई अनमेरिड पर्सनस कब होगी आपकी शादी या क्या है आपका डिवाइन का क्या प्लान है नाइट ऑफ पेंटिकल्स फाइव ऑफ सोर्स डिवाइन न्यू प्लान फॉर यू एस ऑफ कप्स Four of Swords, <laughs> Ten of Swords, Divine New Plan for Your Marriage, Three of Cups, <laughs> Five of Wands, Wheel of the Year, Devil, Bottom of Deck, Lena Padega, Clarity Knight of Wands and Justice. हम्म हम्म ओके लवली फाइल वन आपके ना गाइस आप जो काज हैं शादी की नई क्या डिवाइन की मर्जी है भाई यहाँ पर दो तो भागे में डिवाइडेड हैं पीपल एक तो वो लोग हैं कि जो लिटरली अभी छोटी एज के हैं टीन्स लेट टीन्स के होंगे उन्नीस बीस इक्कीस बाईस या अर्ली ट्वेंटीज इस तरह की एज है ठीक है आपके लिए डिवाइन का एंजल्स का ये मैसेज है कि आप अभी अपने करियर पर फोकस करें ठीक है बिकॉज यहाँ पर दोनों आप दोनों जो हो मतलब जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर हैं वो और आप दोनों देखो चाहे ये दोनों मेल एनर्जीज़ हैं लेकिन टैरो में स्पिरिचुअलिटी में जेंडर नहीं देखी जाती एक आप हो एक वो है ठीक है आप दोनों ही अभी करियर में हो वो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ करियर में कुछ तीर मारने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी ठीक है अभी आपको मैं यही सजेशन दूंगी जो मुझे नज़र आ रहा है डिवाइन की प्लानिंग भी यही है कि कभी आप अपने करियर पर तोजो दें अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अभी और किसी ऐसे रिलेशनशिप में पढ़ के जो कि आपके लिए डिस्टाइंड ही नहीं है क्योंकि वक्त से पहले जब हम चीज़ें मांगते हैं अट्रैक्ट तो हो जाता है कुछ ना कुछ यूनिवर्स से लेकिन वो उसमें डिवाइन की मर्ज़ी शामिल नहीं होती और वो चीज़ें कार्मिक होती हैं वो आपको ऐसा सबक सिखा के जाएंगे यहाँ पर देखो पाइल ऊपर के स्प्रेड में भी इधर परेशानी है नीचे के स्प्रेड में भी दरमियान परेशानी आई है तो ये परेशानियाँ ये लड़ाई झगड़े ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपके गले पड़ जाएंगी करियर भी हाथ से निकलेगा और ये लोग तो वैसे ही नहीं रहने कार्मिक तो वैसे ही नहीं रहता आपके पास यहाँ जब तक रहता है आपको तंग करता है कुछ पल्ले पड़ गया पहलवान मेरी बात हुं? तो ये चीज़ है ये छोटी उम्र के लोगों के लिए मैं बता रही हूँ ठीक है तो बाकी जो पायल टू है मी पायल वन है लाइक जो दूसरे दूसरा ग्रुप है कि जो थर्टीज़ में है लेट ट्वेंटीज इनकी शादी की पूरी एज हो चुकी है करियर भी बना लिया है या नहीं बना सके लाइफ में किसी कारण या घर बैठे हैं आपके लिए डिवाइन की प्लानिंग ये है कि एस ऑफ कप्स के साथ आपके लिए प्रपोजल तो है आपके लिए सम्बड़ी इज़ कमिंग ठीक है लेकिन आपके लिए एक मैसेज है कि आपको टेन ऑफ़ एपिसोड्स आपको किसी एक चीज़ को नेगेटिव चीज़ है आपने जेहन में पाली हुई है और वैसे वो बला की तरह भूत की तरह ना आपके पीछा करी जा रही है और वो चीज़ आपने ख़ुद ही अपने सर पे सवार की हुई है और आप उससे एज़ सुन पॉसिबल जान छुड़ा लो वरना बहुत देर हो जाएगी नेगेटिविटी को अपने जहन से निकाल भगाओ ठीक है बिकॉज़ आई एम सींग हेयर फॉर यू मैं इधर देख रही हूँ आपके लिए कि जब तक भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स ख़त्म नहीं होंगी आपकी शादी का रास्ता नहीं खुलेगा डबल एनर्जी है यहाँ पर शैतानी <coughs> ताकतों ने रोका हुआ है आपकी जो है मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स मैरिज ठीक है लेकिन मैं एक और बात आपको यहाँ बताती चलूँ कि आपने परेशान नहीं होना वजह मैं आपको पता है मैं रीज़न के साथ बात करती हूँ मैं ऐसे नहीं करती वेल ऑफ द ईयर ठीक है यहाँ आपको ये यह मैसेज है एंजल्स की तरफ से डिवाइन की तरफ से कि चाहे कोई जो मर्ज़ी करता फिरे चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव एनर्जीज हैं चाहे आपके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है चाहे आप अकेले हो जो भी सिस्टम है आपका डिवाइन आपको नहीं छोड़ेगा जिस टाइम आपकी किस्मत खुलनी है जिस टाइम आपकी किस्मत का पहिया चलना है ना उस टाइम इन सब ने देखते रह जना ये जो जो भी कुछ जो जो मर्ज़ी कर रहे हैं आपके खिलाफ ठीक है ये देखो जस्टिस कार्ड ये डिवाइन का जब जस्टिस की तलवार उठती है ना ये तराजू जब होता है उसमें बैलेंस होते हैं तब वो सिर्फ़ ये देखता है डिवाइन किसकी नीयत क्या है किसने उस उसने किसको क्या देना है ठीक है जब मतलब जब आपको डिवाइन डिसाइड कर लेता ना कि मैंने ये देना है इसको तो फिर किसी का बाप भी उठ के आ जाए ना वो भी कुछ नहीं कर सकता ठीक है मैं सही आपको बता रही हूँ तो एनी फिर भी हम देखेंगे टाइम फ्रेम क्या और आ, और भी चीज़ें क्या क्या डिवाइन की प्लानिंग है आपके शादी के लिए अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग यू सी दिस एस ऑफ कप्स एंड न्यू स्टार्ट न्यू मून ओके एक नया जो है ना आपकी लाइफ में साइकिल शुरू हो रहा है कुछ यहाँ पर डिवोर्सेज हैं देख रहे हैं या कुछ लोग विडोज़ हैं तो ये सब चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में लेकिन एक न्यू स्टार्ट है लेकिन मैं जाना आपको ना ख़ुद अपने आप से नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी आपको पुरानी यादों से बाहर आना पड़ेगा आपको अपने ऊपर मेहनत यहाँ यहाँ इतनी तो करनी पड़ेगी ठीक है इतना अच्छा न्यू स्टार्ट और न्यू पर्सन नई जिंदगी काफ़ी बड़ी चीज़ होती है है ना कुछ जब पुराना सब कुछ बर्बाद हो जाए तो उसको पाने के लिए उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको यू नीड लाइक आपको चाहिए कि आप भूल जाओ सब कुछ अपनी आने वाली ज़िंदगी की खातिर मेरी खातिर नहीं है किसी और की खातिर नहीं अपनी फ्यूचर की खातिर ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात इट्स टाइम टू टेक एक्शन बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला पायल नंबर वन आपको कुछ एक्शन लेना है ठीक है जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं आप लोगों को भी अपने करियर पर फोकस करना है और दूसरी चीज़ जो है प्लीज़ स्टार्ट प्रेइंग मैनिफेस्टिंग जो भी टेक्निक्स आपको स्पिरिचुअलिटी के पता है मैं कभी अलदा रीडिंग उस पर अलदा वीडियो बनाऊँगी कि क्या स्परिचुअल टेक्निक्स होती हैं टू मैनिफेस्ट काफ़ी ज़्यादा होती हैं यहाँ पर भी मेंशन करना मुनासिब नहीं है बहुत लंबी वीडियो हो है वरना ठीक है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ न्यू मून इन कैंसर आई थिंक किसी का कोई बीमार है यहाँ पर पेरेंट या कोई बच्चा आपका या कोई सिबलिंग या कोई फ्रेंड या आप खुद ही बीमार हो डोंट वरी आप जो हो हेल्दी जो है आपकी जो लाइफ है वो शुरू हो जाएगी ठीक है होने वाली है बल्कि आपको बस मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है और परेशान नहीं होना टाइम फॉर हीलिंग गाइस काफ़ी हद तक यहाँ पर हीलिंग की आपको वाइफ आ रही है कि आपको हील की ज़रूरत है हीलिंग की ठीक है परेशानियाँ आई थिंक कुछ लोगों को तानों से बड़ा मसला है। जो ताने सुनने को मिलते हैं ना रिश्तेदारों से या और लोगों से ये तो वो तो वो तो ये उन तानों से जो आप तंग हो ना ये पता है ये दिमाग को तबाह कर देते हैं लेकिन ताने और लाइक आपकी वाइब्रेशन की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी ठीक है आपने फिर भी पॉजिटिव ज़बरदस्ती भी रहना है मुझे पता है आपको बात अच्छी नहीं लगती मुझे कोई कमेंट में पता नहीं कौन कह रहा था कि नहीं हुआ जाता पॉजिटिव तो क्या करें आप ज़बरदस्ती नहीं मैं कर सकती अपने साथ तो मैं ज़बरदस्ती नहीं लाइक मैं क्यों फ़ोर्स करूँ अपने आप को अगर मेरे से नहीं हुआ जा रहा देखो अगर आप नहीं करोगे तो किसका नुकसान होगा ये जिद आपने किससे लगाई हुई है हु? अपने आप से अपने फ्यूचर के साथ मेरा तो कुछ नहीं जाना या आपके जो फैलो बींगस जो सारे सुन रहे हैं उनका तो कुछ नहीं जाना किसका जाना है सिर्फ़ एक बंदे का जाना और वो आप हो ठीक है तो इसीलिए आपको समझाया जाता है जो ट्रूथ है ऐसे ही यूनिवर्सल रूल है आप इसको चेंज नहीं कर सकते अब सूरज है ईस्ट से निकलता है आप वेस्ट से नहीं निकाल सकते हो क्योंकि मुझे तो वेस्ट से पसंद है जी मैं तो नहीं ईस्ट में रह सकती लाइक देख सकते हो उसको बार बार निकलता हुआ ठीक <laughs> है तो आई होप अगर आप सुन रही हैं तो जस्ट चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर आपके अराउंड दुनिया आपकी चेंज होगी ठीक है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेंस एक न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में डिवाइन भेज रहे हैं न्यू मून इन लिब्रा ठीक है तो यस और क्या है आपके पास टाइम टू ब्रीथ आउट खुद पर तो भाई ख़ुद को एग्जॉस्ट किया है कामों में भागम दौड़ी में दूसरों का ख्याल है ख़ुद का है कोई नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा न्यू मून इन जमे ना आए जब ये होता है ना आई जस्ट लव दिस कार्ड पक्की बात है कोई आ, कोई ना कोई आपको एक नई कम्युनिकेशन ज़रूर मिलती है फाइल वन एंड आपकी मैंने जो भी डेक्स जितने भी यूज़ किए हैं इसमें हर जगह एक ही चीज़ आई है यहाँ पर कि डिवाइन की प्लानिंग है आपको एक नए पर्सन से मिलवाने की एक रोमांटिक आपका साइकिल दोबारा से शुरू होगा एक लव लाइफ दोबारा से शुरू होगी एक नई चीज़ आएगी और शादी तक वो जाएगी इस पाइल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बल्कि नाइन्टी परसेंट मैं कहूँगी कि जिनके रिश्ते टूटे हैं मतलब रिश्ते आए और फिर वो बात नहीं बन पाई रिश्ते आए और फिर कुछ और हो गया ठीक <coughs> है तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप नेगेटिविटीज से बाहर आओ और जो जो लोग पीछे छोड़ गए हैं उनको बस ये समझ के इग्नोर करोगे लाइक वर नॉट मेंट फॉर मी मेरे लिए बने ही नहीं थे तो मैं क्यों उनको सोचूं ठीक है ना हम तो अच्छे हैं हम तो अपनी चीज़ के बारे में सोचेंगे ना जो हमारे लिए बनी हुई है वो तो अभी तक आपको आई ही नहीं है अभी तक आपके पास उसको पास लाने के तरीके में बताती रहती हूँ कि आपको मैनिफेस्ट करना है आपको पॉजिटिव रहना है ये तो वो वो तो ये ठीक है तो द थिंग इज़ कि स्टिल पॉजिटिव आउटकम आपका पॉजिटिव ही आएगा ठीक है तो विद हैविंग सेट दैट अपना बहुत सारा ख्याल रखना और डिवाइन पर विश्वास आपने नहीं छोड़ना चाहे जो भी हो जाए ठीक है अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय टेक केयर हेलो 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 फाइल ट्यू आइए देखते हैं डिवाइन का नया प्लान क्या है आपके लिए वेडिंग प्रोडक्शन टू सन फॉर ऑफ पेंटिकल्स <coughs> King of Swords. Eight of Wands New wedding plan for you. Oh my god. Horror fans. Okay. Okay. King of Pentacles. Toh king, Young man. Nine of Wands. Bottom of deck Haji after pass. Magician. चलो जी बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है बहुत ही शुभ कार्ड्स हैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए पायल नंबर टू हो के <laughs> गाइस डिवाइन का न्यू प्लान आपके लिए ये है कि पहली बात आपकी शादी होगी तो सही लेकिन जो पर्सन है आपके हस्बैंड काफ़ी से ज़्यादा रिच मैन है ठीक है ये दोनों ही रिच कार्ड्स होते हैं रिच पर्सन के दो ही होते हैं मुझे, मैं तो इन्हीं को समझती हूँ मतलब जो दे विच आर हुआ आर मोस्ट जिसे कहते हैं रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं बहुत अमीर होते हैं ठीक है तो ये पर्सन है आपके बिज़नेस मैन है ये और ये आप डिवाइन ने रखे हैं आपके लिए फोर ऑफ वैंस ट्विन फ्लेम री यूनियन या फिर शादी दिस इज़ अ होल होल मंडप पता है आपको ये फोर फोरवेंस होता है ना ये पूरा पूरा मंडप बना हुआ है पूरा आपकी वो जो स्टेज होती है शादी की पूरा वो बना ये होता है ठीक तो तो है तो यू कैन सी पीपल डांसिंग अवर डेयर तो ये फंक्शन है आई थिंक किसी की शादी है भी इसी साल <laughs> जो वैसे ही देख रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ उसमें ऐसे देख रही हूँ कि आपकी वेडिंग प्रोटिक्शन एट ऑफ वैंस किसी की अब्रॉड में हो सकती है शादी या आप शादी करके अब्रॉड जाओ यहाँ पर बाहर के मुल्क की वाइब है ठीक है आपके स्पाउस की मेच्योर एनर्जी है किंग ऑफ सोर्स एंड नाइट किंग ऑफ पेंटिकल दोनों किंग हैं दोनों मेच्योर एनर्जी में आए हैं एक तो पैसे का अच्छा खासा इनके पास होगा दूसरा इनके पास अच्छी जॉब या कह सकते हैं अच्छा माइंड सेट बड़े ये ना प्रोफेशनल से होंगे लाइफ में लॉयर हो सकते हैं आई थिंक लॉयर भी हो सकते हैं ऐसे बस मुझे ऐसे कुछ नज़र आया ठीक है तो बाक़ी ये चीज़ है आपकी शादी मैनिफेस्टेड है डिवाइन आपको शादी करना आपकी चाहते हैं किसी के साथ लेकिन तो थोड़े से लोगों का मसला है यहाँ बहुत टेन को परसेंट कि जो अभी भी हैंग हैं अभी तक भी नेगेटिव एनर्जीज़ में है एंड आर नॉट कमिंग आउट ठीक है तो ये चीज़ निकाल दें वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है पाइल वन में प्रॉब्लम थी अच्छी खासी प्रॉब्लम थी मैंने उनको समझाया है उनको क्या क्या करना है एनी वेज पायल टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मूथ सेलिंग है सिर्फ नाइनोवेंस थोड़ा सा शादी करते समय जो जो लोग लव मैरिज करेंगे या अरेंज भी शादी के समय हो सकता है कोई मसला आए लाइक मनाने में या कोई अरेंजमेंट्स में थोड़ी सी डाउट्स या थोड़ी सी मुझे हर्डल्स नजर आ रही हैं बट ज़्यादा नहीं है ठीक है तो आपको एक भगवान या जो जिस कोई मानते हैं आप खुदा को, को एक बेटा ज़रूर देंगे विद दे सन कार्ड और पहला आपका बेटा ही होगा आपके स्पाउस के पास एक वाइट कार हो सकती है ठीक है या उनकी कार्स में से एक वाइट भी ज़रूर होगी बिग वाली बड़ी वाली वैन टाइप या जो बड़ी क्रूज़र होती है उस टाइप की आप लोग हनी उस पर हिल स्टेशन जाओगे आई डोंट नो हनीमून पे या वैसे ही घूमने फिरने या आपको किसी हिल स्टेशन पे यह मिले आपकी मैरिज प्रोटिक्शन में ये है कि आपकी शादी काफ़ी करीब है ठीक है और अगर आप छोटे हो माय डार्लिंग्स जो टीन्स में है या अर्ली ट्वेंटीज़ में है स्टिल आपकी अगर शादी अभी नहीं भी होती लेकिन इसी पर्सन से ही आपकी होगी जब भी होगी ठीक है तो डोंट वरी सरेंडर टू डिवाइन डिवाइन पर छोड़ें आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की हद तक कोशिश मत किया करें मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ हमारे इतनी औकात नहीं है यूनिवर्स को अपने हिसाब से चलाने की तो जब हम चलाने की कोशिश करते हैं पहली बात है वो चलती नहीं हमारे हिसाब से बल्कि उलट होने लग जाता है फिर हम और डिवाइन को कोसते हैं फिर यूनिवर्स हमारे अगेंस्ट चलती है ठीक है बेहतर यही है हम अपने आप में ही रहें और डिवाइन को सरेंडर करने चुप कर गए कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है मैं फ़्लो के साथ चलूँगी मैं फ़्लो के साथ चलूंगा जैसा आपको मंजूर है वैसा ही हो ठीक है तो देखना कैसे आपकी लाइफ में पलटा खाती है आपकी ज़िंदगी नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वर्ड ऑफ कोर्स मून फिर अगेन कोई कंट्रोलिंग पर्सन है नो no बेबी ऐसे नेगेटिव बातें बोलने से नेगेटिव सोचने से या ये सोचने से कि डिवाइन ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा सबको देता है नो माई बेबी इस तरह कुछ नहीं बनने वाला <laughs> सिर्फ सिर्फ़ टेंशन और परेशानी ही हाथ आएगी आपके ठीक है ना बैलेंस द स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी आपको एक्सट्रीम हो भाई आप तो यहाँ पर जी बात आपकी लाइक पाइसिस स्पेशली जो यहाँ पर वाटर साइन वा वाले हैं पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वाले या आपकी चार्ट में ये इनकी प्लेसमेंट्स हैं कहीं आप लोग यहाँ तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाती है और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को भूल जाते हो यहाँ पर आप बिल्कुल ही आप प्रार्थना नमाज़ों पर लग जाते हो और काम कोई भी नहीं करते इस तरह नहीं काम चलना ठीक है आपको ज़रूरत है दोनों चीज़ों की इन दोनों में बैलेंस लाएं ठीक है चलो आगे चलते हैं आई टाइम टू गिव रादर देन टेक आपको दान करने की बहुत ज़रूरत है अगर आप अपने कामों को इसमें थोड़ी सी स्पीड जाते हो दान क्या करना है आपको कोई भी चीज़ ठीक है इस पर ज़्यादातर मैं वैसे यही सबको सजेस्ट करती हूँ कि गिव मनी गिव कैश आजकल लोगों को इतनी मतलब लोगों की ज़रूरत आजकल पैसा है ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ें खरीद सकें जिस हद तक इन्फ्लेशन है हर कंट्री में यह और दवाइयाँ इतनी महंगी हैं और ऊपर से खाने की चीज़ें ये सब ऊपर से रेंट्स और फिर लाइक यूटिलिटी बिल्स आजकल सबसे बेहतरीन दान पैसा ही है कैश फॉर्म में ठीक है मैं ये ठीक है वो कहते हैं लोग ये चीज़ खिला दो मीठी चीज़ खिला दो ये कर दो वो कर दो आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स ठीक है करो बट वो खाया हर कोई लेता है अपने घर से जैसा भी खा लें ठीक है लेकिन वो जो पैसा उसको ख़ुशी देगा ना उस इंसान की ख़ुशी के लेवल पे डिपेंड करता है उस इंसान की किस किस्म की सख्त ज़रूरत पूरी हुई है उस पे डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी हाई हुई है उसकी वजह से कि आपका काम कितना जल्द तेज़ या देर से होगा ठीक है उसके पास पैसे होंगे ना वो कुछ भी ख़रीद लेगा अभी आप किसी को मीठी चीज़ खिलाई जा रहे हो उसको भूख है ही नहीं वो अभी भी खा के आया चाहे वो सस्ती सी कोई चीज़ किसी ढाबे से कोई दस रुपए की चाट ही खा के है लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंडिंग आज कल की ज़्यादा ज़रूरत पैसा है क्योंकि तो खर्चे बहुत हैं पावरफुल चेंज ओ माई ये देखो आप ये दान करने की पावर के साथ ही आपका आया कि पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इस तरह की उसके निडी की मदद करो तो ठीक है कम्युनिकेशन इज द की यहाँ पर कम्युनिकेशन है आपका आपके डिवाइन के साथ अपने खुदा से अपने डिवाइन से रबते में रहो ठीक है और कभी भी प्रार्थना नमाज पूजा पाठ जो भी है प्रेयर्स जो भी हैं आपकी नहीं छोड़ना और अगर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर बिलीव है कुछ ना कुछ आप जरूर प्रैक्टिस करो डिवाइन के साथ एक अलाइनमेंट बननी बहुत ज़रूरी होती है रता बहुत ज़रूरी होता है ताकि जब हमें एग्जैक्ट हमें ज़रूरत पड़े तो डिवाइन हमें ये ना कहें कि भाई तुम्हारे साथ तो मेरा कोई राबता ही नहीं है तुम कौन हो है ना गॉड oh बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके गाइज जी बी एस मू लाइक यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल गाइज शादी होने वाली है आपकी मैं बता दूँ स्पेशली यहाँ पे थर्टी प्लस है बाउट टू गेट मेरीड वेरी सोन ठीक है टू हार्ड वर्क इज पा आप ऑलरेडी अच्छा, बहुत कुछ करते हो ठीक है मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा दे दिया दान सॉरी ज्ञान ज़्यादा ज्ञान दे दिया आपको मैंने तो येस आपके तक एंजल्स ने आपको मैसेज दिया क्या आप कर रहे हो यू आर डूइंग गोड ऑलरेडी बहुत कुछ करते हो और ये जो आपका हार्ड वर्क है इसी ने फल लाना है इसी ने फ्रूट लाना है ठीक है तो ये थी जी आपके प्रोडिक्शन मैरिज प्रोडिक्शन बहुत ही ज़्यादा शुभ कार्ड थे आपके एंड अगर आप इस रियली इस रीडिंग पर बिलीव करते हो तो आई कैन सी डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड टू वेरी वेरी गुड पर्सन वेदर गर्ग आए ठीक है तो अबंडेंस है खुशियाँ हैं और बहुत सारी प्यार भी है अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर बाय बाय